हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स फ्लॉप शो। फाइटर टोड्स किसी भी फिल्म निर्माता व निर्देशक के लिए एक महत्वपूर्ण रोल होता है, फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी फाइनेंसर का। उसी प्रकार टीवी के लिए किसी भी एपिसोड बनाने के लिए मिलना ज़रूरी होता है फाइनेंसर का। फिर चाहे वो एपिसोड भक्तिमान हो, फ्लॉप 10 हो, भ्रष्ट मोहब्बत हो, जी बॉरर शो हो या हो कोई कार्टून शो। है डॉन ओल्ड पक, कार्टून किंग फॉल्ट दिलजले की नैया को तू नहीं पार लगाया। तू कार्टून फिल्मों का भगवान है। तुझसे ही प्रेरणा पाकर मैंने भी ये 3D कार्टून फिल्म बनाई है जिसको बनाते बनाते मेरे सारे कपड़े बिक गए हैं। फ्लॉप शो। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, लेखक तरुण कुमार वाई, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन दिलीप चौबे, संपादक मनीष गुप्ता। देख तुझे अपनी छाती पर लिखा तेरा नाम दिखाने के लिए मैंने अपनी आखिरी कमीज भी फाड़ डाली। चर्र, मैंने अपना नाम भी तुम्हारे ही नाम पर रखा है। तू इस नाम की लाज रखना प्रभु। मैं ये कैसेट लेकर फाइनेंसरों की मीटिंग में जा रहा हूँ जो ये कार्टून फिल्म देखकर फैसला करेंगे कि मुझे आगे के एपिसोड बनाने के लिए पैसा दें या नहीं। मुझे आशीर्वाद दे प्रभु कि उन्हें यह फिल्म पसंद आ जाए। आशीर्वाद मिल गया था। ओ ये ऊपर से क्या टपका? ऊपर से तो बीट ही टपक सकती है। ये तो बीट है, यानी कि मुझे डॉन ओल्ड बक का आशीर्वाद मिल गया। याहू! और तभी हम PTV से आए हैं। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आपका इंटरव्यू लेंगे। ओ PTV, हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर इंटरव्यू जल्दी से ले लो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बक साहब, हमने सुना है कि आपने मैडगो पर एक महान कार्टून फिल्म बनाई है जिसका नाम आपने रखा है टर टर। हाँ बनाई है, ये रही स्पॉन्सरों में इसको स्पॉन्सर करने के लिए मारा मारी बची है। पर अभी इसका एक ही एपिसोड बनाए क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए और पैसों का इंतज़ाम करने ही मैं लूटो खसूटो एंड पूटो फाइनेंस कंपनी के ऑफिस जा रहा हूँ। इंटरव्यू का सजीव प्रसारण टोड निवास में भी जारी रहा। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने ये सीरियल किन किन मुसीबतों का सामना करके कैसे बनाया? कंप्यूटर ध्यान से सुन रहा था। सीरियल बनाते वक्त सबसे पहली ज़रूरी होती है नावे की, यानी मनी, यानी पैसे की, जिसके लिए मैंने अपना घर बार बर्तन भांडे सब कुछ बेच दिया। अगर नावे का इंतज़ाम हो गया तो समझो सीरियल बन गया। पैसे के बाद ज़रूरत होती है स्टोरी की, यानी कहानी की, और फिर आप सीरियल बनाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब बाकी का इंटरव्यू मेरे सीरियल के प्रसारण के बाद लेने आना। कंप्यूटर ने TV बंद किया और किया ये ऐलान, मैंने सोच लिया मास्टर, हम भी TV सीरियल बनाएंगे। मास्टर विचार बुरा नहीं है, हम गटर की समस्याओं पर सीरियल बनाएं वो तो ठीक है, मगर सीरियल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, हमारे पास तो बेचने के लिए बर्तन भांडे भी नहीं हैं और गटर हमसे कोई ख़रीदेगा नहीं। हमारे पास भी पैसे वहीं से आएगा जहाँ से बक्स आपके पास आएगा, यानी लूटो खसूटो एंड फूटो फाइनेंस कंपनी से। मगर कहानी कौन लिखेगा? कहानी तो हम संजय गुप्ता से लिखवा लेंगे। तो फिर पहनो ओवरकोट और टोप और चलो लूटो खसूटो एंड फूटो फाइनेंस कंपनी। वाह, यही है लूटो खसूटो एंड फूटो फाइनेंस कंपनी। वो देखो वहाँ लिखा है लोन और तस्वीर में है वह स्त्री जी थाल में पैसे रख कर दे रही हैं, जैसे कह रही हूँ कि पैसे लो ना शूटर भैया। भैया होगा तू। टोट्स अंदर आ गए। पता नहीं ये बक साहब अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। खसूटो साहब, हम रुपया लेकर कब तक बैठे रहेंगे? रुपया लेने हम आ गए, हमें सीरियल बनाने के लिए रुपया चाहिए। चलो चलो रास्ता नापो। कंप्यूटर, रास्ता नापने के लिए तो फीते की ज़रूरत पड़ेगी, फीता कहाँ से आएगा? ये वो वाला रास्ता नापना नहीं है शूटर, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है चल भाग, यानी ये हमें धुतकार रहा है। क्या इसकी ये मजाल? शांत हो जा कटर, हमें इनसे सीरियल बनाने के लिए पैसे लेने हैं। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो ये पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बाजू नीचे कर लेता हूँ। तब तक खसूटो गार्ड्स को अंदर बुला चुका था। गार्ड्स, इन्हें धक्का देकर निकाल दो। सुना नहीं बे क्या? चलो बाहर। अब कार्टर के लिए अपने क्रोध को संभाले रखना मुश्किल हो गया। कंप्यूटर, तू टोट्स एक्शन बोल या ना बोल, तेरा सीरियल बने या ना बने था, मगर मैं अब रुकने वाला नहीं, मैं भी बिना कहे रहने वाला नहीं। टोट्स एक्शन। टोट्स एक्शन हुआ और ऐसा हुआ कि खसूटो साहब, ये तो कोई पागल है, देखो चारों मेढक बने हुए हैं। आ इन मेढकों की इतनी हिम्मत कि खसूटो साहब पर हाथ उठाएं, मैं इन्हें चीन भेज दूंगा।
चीनी इनका सूप बनाकर पी जाएंगे। ओ अबे जा, हम असली मेढक हैं, चीनी हमें क्या पिएगी, हम तो उसे चाय में डालकर पी जाते हैं। था टोट्स के जाने के बाद, हाय अगर मैं चाणक्य क्यों होता जिसने एक कांटा चुभने पर काटोगे पौधे ही जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया था, तो मैं दुनिया के सारे मेढकों को काट काट कर उनका अचार चीन भिजवा देता। शुक्र करो पैसे बच गए। तभी डॉन बक ने वहाँ प्रवेश किया। नोटों का बैग तैयार है ना मेरे फाइनेंसरों, मुझे पता है कि मेरा सीरियल आपको ज़रूर पसंद आएगा। और तुम सब नीचे को लेटे हुए, ओ समझ गया तुम्हें रीढ़ की प्रॉब्लम होगी। हम लेटे नहीं हैं बक साहब, हमें लिटाया गया है। अब आप वो नोट गिनना शुरू कर दो जो आपने मुझे फाइनेंस करने हैं। ये डाली मैंने कैसेट VCR में और ये शुरू हुई मेरी 3D कार्टून फिल्म जिसका नाम है टर टर। फिर मैडक ई था या, मुझे मैडकों से नफरत है और मुझे ऐसे घटिया प्राणी पर फिल्म बनाने वाला उसे दोबारा यहाँ आया तो फिल्म के साथ TV के अंदर ही तेरा समाधि बना दूंगा। था वाक वाक टर टर थाए वाक थाए। ये गोली चलाकर डॉन बक ने फाइनेंसरों के खिलाफ अपनी दुश्मनी का ऐलान कर दिया था। इधर टोर्स की परेशानी भी बढ़ती चली जा रही थी। सीरियल बनाने की पहली सीढ़ी टूटी निकली, लगता है कंप्यूटर की इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा ज़रूर पूरी होगी कंप्यूटर, वो देख बैंक, बैंक वाले भी तो पैसे देते हैं। अरे हाँ, टोर्स के कदम बैंक की ओर बढ़ रहे थे। इधर डॉन बक अपनी 3D कार्टून फिल्म के साथ मातम बना रहा था। आज बहुत बुरा, आज बहुत खुश होगा तू, मेरी फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप होकर रह गई। आज मैं तेरा नाम अपनी छाती पर से ऐसे ही खुरच दूंगा जैसे हलवाई कढ़ाई से मलाई की खुरचन खुरच डालता है। तू क्या समझता है कि मैंने तेरा नाम गोदने से लिखवाया है? नहीं, मैंने तेरा नाम चौक से लिखा था, कहीं गोदने से लिखवाया होता तो खून निकल आता। और अब अपनी फिल्म टर टर किराए की TV VCR पर मैं तुझे ही दिखाऊंगा और VCR वाले को किराया भी नहीं दूंगा। VCR वाला मुझे पीटेगा और मैं तेरी आंखों के सामने ही पिटूंगा और ये तेरी हार होगी। हाँ, ये तेरी हार होगी। फिल्म चालू हो गई। ये फिल्म मैं तुझे तब तक दिखाता रहूँगा जब तक इस दुनिया में एक भी फाइनेंसर जिंदा है। फिल्म तो चालू हो गई मगर डॉन बक नहीं जानता था कि उसकी 3D फिल्म क्या गोल खिलाने वाली है, क्योंकि स्पेन उसी वक्त लेना बैंक सॉरी क्योंकि एन उसी वक्त लेना बैंक ऑफ राजापुर में भी भारी गड़बड़ शुरू हो गई थी। बैंक लुटेरे टर 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 हेड्स अप, कोई भी अपनी जगह से हिला तो हिला इसकी तरह, तो स्लाइस की तरह काट कर उस पर अमूल का मक्खन लगा देंगे। टर 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 टर, लाओ सारा कैश हमारे हवाले करो। टर टर टर, मास्टर ये तो हमारी बिरादरी के, ये बैंक लूट कर हमारी बिरादरी की नाक कटवा देंगे, उससे पहले ही कंप्यूटर तू बोल दे। टोट्स एक्शन, शूटर का घूसा बाढ़ हवा में सरसरा कर एक लुटेरी की कनपट्टी से टकराया, मगर ये क्या, बाढ़ तो आर पार होता चला गया। सर ओह, मुझ पर प्रहार किसने किया? मास्टर मेरा घूसा बाढ़ तो उसकी खोपड़ी के आर पार होकर निकल गया। मास्टर मेरी तलवार भी इसके शरीर के आर पार हो गई, मगर मेरी किक इसके थोबड़े जरूर सजा देगी। अरे किक भी आर पार हो गई, तो क्या ये हवा के बने हैं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज की कॉमिक फ्लॉप शो के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।